बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इन सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स इज़ सोर्स फॉलोअर। देखिए, सोर्स फॉलोअर इज़ नॉट एन एम्पलीफायर, इट्स अ बफर स्टेज एंड द पर्पस ऑफ दिस बफर इज़ टू कनेक्ट हाई इम्पिटेंस प्रीसीडिंग स्टेज विद लो इम्पिटेंस प्रोसीडिंग स्टेज। ठीक है, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद रेजिस्टिव लोड या इन जनरल कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद एंड विदाउट सोर्स डीजेनरेशन रेजिस्टेंस, उसका अगर आप वोल्टेज गेन का फॉर्मूला देखें तो फॉर अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज इक्वल्स टू माइनस जी एम टाइम्स आर डी माइनस जी एम टाइम्स द टोटल रेजिस्टेंस एट द ड्रेन टर्मिनल। तो जितनी ड्रेन टर्मिनल पे मॉसफेट के ड्रेन टर्मिनल पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही वोल्टेज गेन एम्पलीफायर के ज़्यादा होगा। सिमिलरली कॉमन सोर्स स्टेज विद द सोर्स डीजेनरेशन रेजिस्टेंस, वहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज था, वोल्टेज गेन वॉज इक्वल्स टू माइनस जी एम आर डी डिवाइडेड बाई वन प्लस जी एम आर एस। ठीक है, अगेन द वोल्टेज गेन वॉज इन डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द लोड रेजिस्टेंस और द ड्रेन रेजिस्टेंस। वॉट इफ दिस एम्पलीफायर हैज़ टू ड्राइव अ लो रेजिस्टेंस और अ लो इम्पिटेंस लोड, दैट्स वेयर द सोर्स फॉलोअर कम्स इन टू प्ले। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर टू रेजिस्टेंसेज, वी हैव अ सिंपल सीरीज सर्किट जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दो रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। एक जो वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस डिजिग्नेटेड बाय आरएस, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेट्स से 1 किलो ओम, और साथ ही एक लोड रेजिस्टर है आरएल जिसकी वैल्यू मे बी 10 ओम्स होगी। सो एंड द वोल्टेज सोर्स उसकी वैल्यू है 1 वोल्ट। सो दिस 1 वोल्ट विल नेचुरली ड्रॉप मोर अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज़ 1 किलो ओम देन द रेजिस्टेंस ऑफ द देन द लोड रेजिस्टेंस विच इज़ 10 ओम्स। जितनी रेजिस्टर की वैल्यू बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस ज़्यादा होता है। तो 1 वोल्ट जो सोर्स वोल्टेज है, अगर आपको उसको लोड रेजिस्टेंस 10 ओम्स तक पहुंचाना है, सच डैट सोर्स रेजिस्टेंस पे विच इज़ 1 किलो ओम, उस पर मिनिमल वोल्टेज ड्रॉप हो, तो डैट्स वेयर द सोर्स फॉलोअर कम्स इन टू प्ले। यानी कि 1 किलो ओम 1 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज इन सीरीज विद 1 किलो ओम एंड फर्दर द लोड रेजिस्टेंस 10 ओम्स, इन दोनों के बीच में यू नीड टू अप्लाई अ सोर्स फॉलोअर। द पर्पज ऑफ द सोर्स फॉलोअर इज़ टू कनेक्ट अ हाई इम्पिटेंस प्रीसीडिंग स्टेज विद अ लो इम्पिटेंस प्रोसीडिंग स्टेज। यानी कि हाई रेजिस्टिव लोड्स को लो रेजिस्टिव लोड्स के साथ ये कनेक्ट करता है सोर्स फॉलोअर। ओके, तो दैट्स द पर्पज ऑफ अ बफर, अ वोल्टेज बफर। अच्छा जी, सोर्स फॉलोअर की कॉन्फिग्रेशन क्या है, टोपोलॉजी क्या है, ये आपके पास टोपोलॉजी है सोर्स फॉलोअर की। वी हैव एन M1 ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन रीजन, क्योंकि ड्रेन ड्रेन जो है वो डायरेक्टली VDD से कनेक्टेड है। इनपुट वोल्टेज अगर गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है तो श्योरली दिस ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑन इन सैचुरेशन। और सोर्स और ग्राउंड के बीच में वी हैव अ सोर्स रेजिस्टेंस RS, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस सोर्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिया जा रहा है। ठीक है, सो द आउटपुट इज टेकन एट द सोर्स टर्मिनल अक्रॉस दिस RS रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, सो नाउ इफ यू प्लॉट द VV कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर दिस सोर्स फॉलोअर। अच्छा, इस सोर्स फॉलोअर को बाय द वे कॉमन ड्रेन टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि द ड्रेन टर्मिनल, अगर आप AC एनालिसिस करें तो दिस ड्रेन टर्मिनल विल बी कॉमन, दिस विल बी शॉर्टेड, इट विल बी ग्राउंडेड फॉर AC एनालिसिस, एंड दिस ड्रेन टर्मिनल विल बी कॉमन फॉर बोथ द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट। दिस विल बी AC ग्राउंड, इनपुट विल बी अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड ड्रेन टर्मिनल्स, द ड्रेन टर्मिनल इज AC ग्राउंडेड एंड द आउटपुट इज टेकन बिटवीन द from the between the source terminal and the ground and this AC ground, they both are equipotential because this is AC ground. So the drain terminal is common for both the input as well as output, that's why it's also called a common drain topology. अच्छा जी, अब अगर आप output as a function of input voltage को plot करें तो जब तक input voltage threshold voltage से कम है, this transistor does not turn on. ठीक है, this transistor turn on, does not turn on, no current flows through the MOSFET M1. Since the output voltage is across this resistance RS, क्योंकि current flow नहीं कर रहा, this transistor M1 is in cutoff, क्योंकि input voltage is less than threshold voltage, कोई current flow नहीं कर रहा इस resistor के through, तो इस resistor के cross voltage drop क्या है, V output will be zero. ठीक है, तो input voltage still threshold voltage, the output voltage is zero. Now when you increase the input voltage above the threshold voltage, this transistor turns on in saturation.
ठीक है, और कुछ ना कुछ करंट, अब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, इस रेजिस्टर से, तो आउटपुट वोल्टेज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो आउटपुट वोल्टेज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग दिस वे. ओके, अच्छा जी, द आउटपुट वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर एस एंड द मॉस्फेट टर्न्स ऑन इन सैचुरेशन. जो तो जो करंट इस ट्रांजिस्टर इस मॉस्फेट M1 में फ्लो कर रहा है वही इस रेजिस्टर आर एस में फ्लो कर रहा है, क्योंकि वी टू डी से लेकर ग्राउंड तक एक ही करंट ड्रेन करंट फ्लो कर रहा है. तो इस मॉस्फेट की ड्रेन करंट की इक्वेशन इज 1/2 म्यू एन सी ऑक्स विद अपॉन एल वी जी एस. गेट पे वोल्टेज है वी इन, सोर्स पे वोल्टेज है वी आउटपुट, माइनस वी टी एच द होल स्क्वायर आर एस विद दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस. वी आउटपुट इज आई डी टाइम्स आर एस. ओके ओके, नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड द वोल्टेज गेन, यानी कि लार्ज सिग्नल एनालिसिस आप कह रहे हैं. सो यू डिफरेंशिएट द आउटपुट द आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज, दैट इज द वोल्टेज गेन ऑफ दिस टोपोलॉजी. सो डिफरेंशिएटिंग द आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, यू गेट दिस इक्वेशन हियर. यहाँ पे टू यहाँ पे आके कैंसिल आउट हो गया. फर्दर वी इन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वी इन इज वन, थ्रेशोल्ड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू वी इन, एंड वी आउटपुट डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू वी इन. दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर आप रिकॉल करें बॉडी इफेक्ट, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वॉज इक्वल्स टू वी टी एच नॉट प्लस गामा टाइम्स स्क्वायर रूट की टर्म थी. तो इफ़ यू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी इफेक्ट प्रोनाउंस्ड होगा एज द सोर्स वोल्टेज, सोर्स पे आउटपुट वोल्टेज है, द सोर्स वोल्टेज इज चेंजिंग एज द विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज एंड द बल्क पोटेंशियल इज ग्राउंडेड. द बल्क इज एट जीरो वोल्टेज, सो दे इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी सोर्स टू बल्क. सो बॉडी इफेक्ट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ. तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की इक्वेशन कीपिंग इन टू कंसिडरेशन सेकेंडरी इफेक्ट बॉडी इफेक्ट, उस इक्वेशन को जब आप इनपुट वोल्टेज से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ईटा टाइम्स डेल वी आउट अपॉन डेल वी. तो यहाँ पे इक्वेशन की दोनों तरफ यू हैव डेल वी आउट अपॉन डेल वी इन, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेरिएशन इज नाउ अ फंक्शन ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज वेरिएशन. ठीक है, तो इक्वेशन की दोनों तरफ यू हैव डेल वी आउट बाय डेल वी इन, तो आप इसको वैल्यूज को प्लग इन करेंगे, यू गेट दिस इक्वेशन हियर. डेल वी आउट बाय डेल वी इन इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन हियर. अब यहाँ पे दिस म्यू एन सी ऑक्स विद अपॉन एल वी जी एस माइनस वी टी एच, दिस इज द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द MOSFET. ठीक है, तो वी रिप्लेस दिस विद द ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन जी एम. दिस इज जी एम आर एस एंड न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी वन प्लस, दिस इज जी एम प्लस जी एम बी आर एस. रिकॉल ईटा, ईटा वॉज इक्वल्स टू वॉज द रेशियो ऑफ बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू MOSFET ट्रांसकंडक्टेंस, जी एम बी डिवाइड बाई जी एम. ठीक है, सो दिस इज द वोल्टेज गेन इक्वेशन ऑफ अ सोर्स फॉलोअर. ये लार्ज सिग्नल एनालिसिस हमने की है. ठीक है, सिमिलर रिजल्ट कैन बी अचीव्ड थ्रू स्मॉल सिग्नल एनालिसिस. किस तरह से स्मॉल सिग्नल में व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज द मॉस्फेट टर्न्स ऑन इन सैचुरेशन. ठीक है, तो सैचुरेशन रीजन मॉस्फेट का ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है. इनपुट वोल्टेज गेट टू सोर्स ओपन सर्किट वी वन, ड्रेन और सोर्स के बीच में वी हैव अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जी एम वी वन, और एज बॉडी इफेक्ट इज प्रेजेंट सो वी हैव अनदर ट्रांसकंडक्टेंस अनदर करंट सोर्स जिसकी वैल्यू जी एम बी वी पी एस. ठीक है, और दिस इज आर एस रेजिस्टेंस सोर्स और ग्राउंड के बीच में, और आउटपुट वोल्टेज यहाँ से लिया जा रहा है. ओके, तो यहाँ पे इस स्मॉल सिग्नल मॉडल के थ्रू हमने अगेन वी नीड टू डिराइव द वोल्टेज गेन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द इनपुट वोल्टेज दिस वोल्टेज वी वन इज एक एंड पे V1 के पॉजिटिव साइड पे इनपुट वोल्टेज है और दूसरी साइड पे नेगेटिव पे V आउटपुट है. तो V1 इज इक्वल्स टू V in माइनस V आउटपुट. ठीक है, और बल्क टू सोर्स पोटेंशियल की बात करें VBS. नाउ VBS बल्क टू सोर्स पोटेंशियल, बल्क पोटेंशियल बल्क वोल्टेज इज जीरो एंड सोर्स वोल्टेज इज V आउटपुट, सोर्स पे आउटपुट वोल्टेज है. ठीक है, तो VBS इज इक्वल्स टू माइनस V आउट. ओके, अब यहाँ पे इफ़ यू अप्लाई KCL नोडल एनालिसिस नोडल इक्वेशन एट दिस नोड हियर एट द सोर्स नोड, तो यहाँ पे दो करंट सेंटर हो रहे हैं जी एम वी वन प्लस जी एम टी वी बी एस इज इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू आर एस. तो जी एम बी वी वन इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज वी इन माइनस वी आउटपुट, और वी बी एस इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज माइनस वी आउटपुट. तो
these two currents entering here times RS is the output voltage. So V output upon Vin will be equal to GM RS divided by 1 plus GM plus GMB RS. The same equation as derived a while ago. लेकिन जो मेथड था डेरिवेशन का वो था लार्ज सिग्नल एनालिसिस, जहाँ पे हमने डीसी इक्वेशंस करंट इक्वेशंस के थ्रू, यानी ड्रेन करंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने ड्रेन करंट की डीसी इक्वेशन यहाँ पे रखी थी इन सैचुरेशन रीजन, और उस पर फिर हमने डिफ्रेंसिएशन करके वी आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वी इनपुट हमने वोल्टेज गेन डिराइव किया. दिस इज द लार्ज सिग्नल एनालिसिस थ्रू विच वी डिराइव द वोल्टेज गेन. स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए we use a small signal model and the DC sources are deactivated. ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखें कि इस voltage gain की equation में जब इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है तो दीज जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है जी एम प्लस जी एम बी आर एस इट इज़ मच ग्रेटर देन वन, क्योंकि ट्रांसकंडक्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, बॉडी फैट ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, सो दिस जी एम प्लस जी एम बी आर एस इज मच ग्रेटर देन वन एट द डिनोमिनेटर, तो आर एस से आर एस कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाई दिस हियर. तो वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई जी एम प्लस जी एम बी. ओके, तो यहाँ से अगर आप जी एम बी को कॉमन निकाल लें, जी एम को कॉमन निकाल लें तो जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी एम बी अपॉन जी एम एस ईटा द बॉडी इफेक्ट कोफिशेंट. सो द इक्वेशन द वोल्टेज गेन इक्वेशन इज रिड्यूस टू वन डिवाइड बाई वन प्लस ईटा. ठीक है, एंड ईटा इज द रेशियो ऑफ बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस विद द मॉस्फेट ट्रांसकंडक्टेंस. तो इफ यू प्लॉट द वोल्टेज गेन विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज, सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से पहले देर इज़ नो वोल्टेज गेन, क्योंकि विद द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नो करंट फ्लोस टू आर एस, द आउटपुट वोल्टेज इज जीरो. बट एज इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू आर एस, द वोल्टेज ड्रॉप स्टार्ट बिल्डिंग अप, बट इट डज नॉट अप्रोच टू वन. द वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वीटा. सो देर इज़ नो गेन. अगर वोल्टेज गेन वन से बड़ा होता तो कुछ ना कुछ कुछ इस सर्किट का कुछ गेन होता है इस टोपोलॉजी का, लेकिन वोल्टेज गेन बहुत हद इट मे इफ ईटा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू वन देन द वोल्टेज गेन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड टू वन बट द वोल्टेज गेन के नॉट एक्सीड वन. बट फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स दिस वोल्टेज गेन ऑफ अ सोर्स फॉलोअर इट इज ऑलवेज लेस देन वन. ठीक है, अच्छा जी, ओके, अच्छा जी, इस टोपोलॉजी में एज कैन बी सीन के द आउटपुट वोल्टेज इज टेकन अक्रॉस आर एस, सो द आउटपुट वोल्टेज इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ द ड्रेन करंट बिकॉज इट्स अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस. और ड्रेन करंट जो है वो इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है एज द मॉस्फेट टर्न्स ऑन इन सैचुरेशन. तो इफ इनपुट वोल्टेज चेंजेस देन द ड्रेन करंट मे चेंज सब्सटैंशियली, इम्प्लाइंग क्योंकि आई डी एज पर दिस इक्वेशन अगर इनपुट वोल्टेज डबल होता है, चेंज 1.5 टू 2 वोल्ट होता है, तो ड्रेन करंट में इंक्रीज ट्वाइस. ठीक है, सो आउटपुट वोल्टेज विल चेंज अकॉर्डिंगली एंड द ओवरड्राइव वोल्टेज वी जी एस माइनस वी टी एच विल चेंज एज पर, यानी कि यहाँ पे अगर वी इन माइनस वी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखें और इक्वेशन बाकी टर्म्स को वहाँ पर दूसरी तरफ ले जाएँ, यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो दिस Vin minus V output relationship, it will change as per square root, yani ke square root of the other side. So substantial non-linearity is introduced because the drain current is a strong function of the input voltage. Input voltage vary kar raha hai, drain current vary karega, output voltage vary karega, voltage gain will further vary. So this is a problem, or in either case, in the other way. अगर रजिस्टर की वैल्यू आर एस की वैल्यू चेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट्स और सम इफेक्ट्स, रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो रही है सो द करंट मे वेरी रिजल्टिंग इन आउटपुट वोल्टेज वेरिंग एंड अकॉर्डिंगली इनपुट वोल्टेज फर्दर वेरिंग. सो आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशनशिप है इट इज़ नॉन लीनियर. सो वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन रिप्लेस दिस आर एस विद अ करंट सोर्स
आरएस को अगर आप करंट सोर्स से रिप्लेस कर दें, सो नाउ दिस इफ़ इफ इफ दिस इज़ एन आइडियल करंट सोर्स, तो वीडीडी से लेकर ग्राउंड तक वी हैव अ फिक्स वैल्यू ऑफ करंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज चेंजेस वोल्टेज अक्रॉस इट, क्योंकि एक आइडियल करंट सोर्स की वैल्यू फिक्स होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट. सो इफ दिस आरएस इज रिप्लेस विद अ करंट सोर्स एन आइडियल करंट सोर्स, सो नो मैटर व्हाट द वोल्टेज अक्रॉस इट द वैल्यू ऑफ द करंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, सो दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन. यानी कि रेजिस्टर की जगह यू रिप्लेस अ रेजिस्टर विद एन आइडियल करंट सोर्स जिसकी वैल्यू आई वन है. एंड दिस करंट सोर्स इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाई अ मॉसफेट बायस्ड इन सैचुरेशन रीजन. ओके, सो दिस इज अ मोर प्रैक्टिकल सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ बेटर देन कि यहाँ पर अगर एक रजिस्टर जिसमें करंट चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज विल चेंज. And this current is a function, strong function of the input voltage. Okay. Actually, now let us calculate the small signal output resistance of this circuit. Okay. To calculate the output resistance of a source follower, as it will be of interest, यहाँ पे आप जितने भी DC sources हैं उनको आपने AC ground कर दिया. यहाँ पे input voltage को आपने AC ground कर दिया. इट्स और यहाँ पे VDD will also be grounded, AC ground. और output resistance आप यहाँ से source terminal से देख रहे हैं. As the MOSFET is biased in saturation region, we replace the MOSFET with its small signal model here. गेट और सोर्स ओपन सर्किट GMV1 बॉडी इफेक्ट GMV VBS और ड्रेन टर्मिनल ग्राउंडेड है और गेट टर्मिनल भी ग्राउंडेड है यहाँ पर. और यहाँ पर आप एक करंट सोर्स विल बी रिप्लेस बाय एन ओपन सर्किट. यहाँ पर ओपन सर्किट आ जाएगा और रेजिस्टेंस आप सोर्स टर्मिनल से देख रहे हैं. डैट इज़ एज इफ यू हैव प्लेसड अ वोल्टेज सोर्स VX एट द आउटपुट टर्मिनल, जिसकी वजह से करंट IX फ्लो कर रहा है आउटपुट टर्मिनल पर. और द रेशियो VX अपॉन IX इज the impedance seen, the output impedance or resistance seen from the source terminal or the output terminal. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this VX, अगर आप इस output loop पर KVL apply कर दें तो 0 is equals to V1 plus VX, तो VX is equals to minus of V1. यहाँ पर आप देखें कि इस terminal पर minus V1 का minus है, negative potential है, और ground पर positive potential है, तो VX is equals to minus of V1. और बल्क टू सोर्स पोटेंशियल इज VB माइनस VS. VB इज जीरो, बल्क इज ग्राउंडेड. और सोर्स पे क्या पोटेंशियल है? सोर्स पे VX पोटेंशियल है. तो VBS इज इक्वल्स टू जीरो माइनस VX, सो VBS इज माइनस ऑफ VX. नाउ इफ यू अप्लाई KCL एट दिस नोड हियर, ऑल द करंट्स आर एंटरिंग. IX प्लस GMV1 प्लस GMV VBS इज इक्वल्स टू जीरो, बट V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VX. तो यहाँ पे IX V1 की जगह माइनस ऑफ VX, यहाँ पे V1 की जगह VBS, VBS इज माइनस ऑफ VX. नाउ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जीरो. इस इक्वेशन में VX और IX दोनों आ गए. यू कैन टेक द रेशियो R आउट विल इक्वल टू 1/GM+GMV. ठीक है, सो द बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस रिड्यूसेस द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ सोर्स फॉलोअर. ओके, द आउटपुट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू बॉडी इफेक्ट. इसकी वजह यह है कि अगर आप ड्रेन करंट की इक्वेशन देखें इन सैचुरेशन रीजन, तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन VGS माइनस VTH द होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब अगर सोर्स टर्मिनल पे लेट से जो पोटेंशियल है वो कुछ वोल्ट कुछ कम हो जाता है, लेट से डेल वी ड्रॉप हो गया, वट एवर वॉज द सोर्स पोटेंशियल वी आउटपुट, इट डिक्रीजेज बाई डेल वी, तो वी आउटपुट माइनस डेल वी. तो जब सोर्स पे वोल्टेज, यानी अगर आप यहां पे देखें, ये वोल्टेज जो सोर्स पे वोल्टेज है, इफ इट डिक्रीजेस बाय डेल वी, ठीक है, तो होगा क्या, गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. गेट का वोल्टेज इफ इट्स फिक्स एंड द सोर्स वोल्टेज ड्रॉप्स बाय डेल वी, सो द VGS इंक्रीजेस बाय डेल वी.
तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेगा डेलवी से, तो ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द ड्रेन करंट इन सैचुरेशन रीजन, उसकी इक्वेशन में ना सिर्फ वी जी एस है गेट टू सोर्स वोल्टेज है, बल्कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी है, दैट इज ओवर ड्राइव वोल्टेज स्क्वायर, वी जी एस माइनस वी टी एस द होल स्क्वायर। इफ़ वी कंसिडर द बॉडी इफेक्ट एज वेल, तो बॉडी इफेक्ट में जब यहाँ पे बॉडी इफेक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द सोर्स टू बल्क पोटेंशियल, तो जब सोर्स टर्मिनल पे वोल्टेज कम हो जाएगा, सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कम हो जाएगा, क्योंकि सोर्स और बल्क के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज़्यादा इंक्रीज करता, अगर ये वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स और बल्क के बीच में कम हो गया एज वी आउटपुट डिक्रीज बाय डेल वी, सो बॉडी इफेक्ट विल बी लोअर, इंप्लाइंग द थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल डिक्रीज। तो अब ड्रेन करंट की इक्वेशन में गेट टू सोर्स वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है फॉर अ चेंज इन द सोर्स पोटेंशियल बाय डेल वी, फॉर अ लोअरिंग ऑफ द सोर्स पोटेंशियल बाय डेल वी। तो दोनों का जो डिफरेंस है, वीजीएस इंक्रीज हो रहा है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, दोनों का डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, ओवरड्राइव वोल्टेज विल इंक्रीज एंड ड्रेन करंट विल इंक्रीज अकॉर्डिंगली, इंप्लाइंग द आउटपुट रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। सो दैट इज व्हाई बॉडी इफेक्ट की वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाती है। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट द सोर्स फॉलो बाय थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। किस तरह, फर्दर यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस ड्रॉप्स एज और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस, यहाँ से देखा जा सकता है कि देखें ये जो करंट सोर्स है जी एम बी वी एक्स, ठीक है, क्योंकि इट वॉज जी एम बी वी बी एस वॉज माइनस ऑफ वी एक्स, माइनस वी एक्स का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दें, तो दिस इज जी एम बी वी एक्स, और यहाँ से आप आउटपुट टर्मिनल से रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, तो दिस द करंट थ्रू दिस द इस करंट सोर्स का जो करंट है इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन द वोल्टेज अक्रॉस इट वी एक्स, ठीक है, सो एज वी एक्स चेंजेस द करंट चेंजेस, सो दिस इफेक्ट इज दैट ऑफ अ रेजिस्टर एज पर ओम्स लॉ। तो इस करंट सोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद रेजिस्टर एज वेल, जिसकी वैल्यू है 1/GMB, ठीक है, तो करंट डिवाइड द रेजिस्टर आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, द वोल्टेज अक्रॉस इट इज वी एक्स एंड द करंट थ्रू इट इज जी एम बी वी एक्स, तो वी एक्स से वी एक्स कैंसल आउट हो गया, 1/GMB इज द वैल्यू ऑफ द ऑफ दिस रेजिस्टर, ठीक है, एंड दिस रेजिस्टर इज कनेक्टेड बिटवीन द सोर्स एंड द ग्राउंड टर्मिनल्स, सोर्स एंड द ग्राउंड टर्मिनल्स, जिसकी वैल्यू 1/GMB, एंड दिस इज वैलिड, दिस अप्रॉक्सीमेशन इज वैलिड ओनली फॉर सोर्स फॉलोअर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस सोर्स और ग्राउंड के बीच में प्लेस किया जाता है, अगर वी हैव अ लोड रेजिस्टर इट विल बी प्लेस्ड इन पैरेलल विद 1/GMB। तो ये जो बॉडी इफेक्ट है, ड्यू टू बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज द लोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 1/GMB। अगर यहाँ पे 1/GMB ना हो, यानी कि बॉडी इफेक्ट नहीं है, सोर्स और बल्क इक्वी पोटेंशियल, जस्ट इफ ये अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पे लोड रेजिस्टर के साथ इफ ए लोड इज प्लेस उसके साथ पैरेलल में कोई 1/GMB नहीं होगा, इट विल बी एन ओपन सर्किट एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/GM, ठीक है। तो द सेम एक्सप्लेनेशन, जिस तरह यहाँ पे हमने जी एम बी वी एक्स की जगह 1/GMB से इसको रिप्लेस किया है बाय रेजिस्टर, जी एम वी वन को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं विद रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है 1/GM, या आउटपुट टर्मिनल से अगर बॉडी इफेक्ट नहीं है, आउटपुट टर्मिनल से जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं इट इज इक्वल टू 1/GM, द वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्ट दिस करंट सोर्स इज वी वन एंड द करंट थ्रू इट इज जी एम वी वन, सो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी वन डिवाइड बाई जी एम वी वन इज 1/GM। ओके, सो वी कैन ऑल्सो हैव विद दीज डिस्कशंस वी कैन ऑल्सो हैव अ थेवेनिन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स फॉलो एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द आउटपुट टर्मिनल हियर, आउटपुट टर्मिनल पे बॉडी इफेक्ट की वजह से एक रेजिस्टेंस है 1/GMB, और आउटपुट टर्मिनल से ऊपर की तरफ जब आप देख रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल से जब आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं इट इज़ इक्वल टू 1/GM। तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस होगी और क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, इफ़ यू कैन फाइंड इट वी कैन हैव द थेवेनिन इक्विवेलेंट, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स एक साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी,
एंड द आउटपुट विल बी टेकन अक्रॉस दिस 1/GAP. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इन टर्मिनल्स पे आउटपुट टर्मिनल पे इट इज़ 1/GM. सो द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज 1/GM. और यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू Vin. इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, ठीक है. यानी कि यहाँ पे इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज V1 है एंड V1 इज इक्वल्स टू Vin. तो इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज है इट इज Vin. सो वी कैन हैव इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन हैव अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस है सोर्स फॉलोअर की 1/GM. उसके साथ इनपुट वोल्टेज इज इन सीरीज विद विच इज थेवेनिन वोल्टेज इट इज इन सीरीज विद द थेवेनिन रेजिस्टेंस और आउटपुट इज टेकन अक्रॉस 1/GM भी बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे वोल्टेज गेन वी नाउ वी हैव अ सिंपल रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर. आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1/GMV टाइम्स वी इन डिवाइड बाई 1/GMV प्लस 1/GM, ठीक है. तो आउटपुट को इनपुट को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, वी विल बी हैविंग अ वोल्टेज गेन AV इक्वल टू दिस. थोड़ा सा रीअरेंज करें, वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू GM/GM+GMV. अगेन द सेम इक्वेशन, GM को अगर आप कॉमन ले लें तो द वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू 1/1 plus eta, ठीक है. अच्छा जी, सो नाउ इफ वी कनेक्ट अ लोड RL at the source terminal, so this is a more practical topology which is implemented. So we can replace this transistor, this MOSFET M1, as it operates in saturation region with its small signal model. Input voltage hai gate se lekar ground tak, gate to source ke beech pe V1 hai, voltage drop aur drain, kyunki small signal model hai, drain is grounded, theek hai, AC grounded, to GM V1 yahan pe current hai. ठीक है. इफ़ यू कंसिडर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट एज वेल, तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट में ड्रेन और सोर्स के बीच में वी हैव रेजिस्टर R02, ठीक है. ड्रेन और इस मॉस्फेट M1 के ड्रेन और सोर्स के बीच में वी हैव रेजिस्टर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन रेजिस्टर R01, क्योंकि इसका एक एंड ग्राउंडेड है. तो R01 जो है वो RL के अक्रॉस आ जाएगा, के साथ पैरेलल में आ जाएगा R01. ये जो करंट सोर्स है M2, दिस M2 ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज अ करंट सोर्स, तो इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इट इज़ ओनली R02. फिर यहाँ पे सोर्स और ग्राउंड के बीच में वी हैव रेजिस्टर RL और 1/GMV इस MOSFET M1 की जो आउटपुट रेजिस्टेंस है 1/GMV, जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट में हमने देखी थी कि 1/GMV हमने बॉडी फिट ट्रांसकंडक्टेंस रेजिस्टेंस वो हमने यहाँ पे अलग से प्लेस की थी. जो भी लोड रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, जो भी चैनल एंड मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंसेज आ रही हैं, वो इस 1/GMV के पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है. सो दिस इज द सर्किट हियर, ओके. दिस M1 MOSFET इज रिप्लेस्ड विद इट्स स्मॉल सिग्नल मॉडल, इसमें सिर्फ GM V1 यहाँ पे मौजूद है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. इस MOSFET की जो बॉडी इफेक्ट ट्रांसकंडक्टेंस है 1/GMV आउटपुट रेजिस्टेंस ड्यू टू बॉडी इफेक्ट, वो यहाँ पे सोर्स और ग्राउंड के साथ पैरेलल में आ जाएगी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज इस 1/GMV के क्रॉस लिया जाएगा. इन दो ट्रांजिस्टर्स की चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंसेस R02 यहाँ पे ड्रेन और ग्राउंड के बीच पे और R01 यहाँ पे ड्रेन इज ग्राउंडेड ड्रेन और सोर्स के बीच में, ठीक है. और RL जो है वो साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. तो यहाँ पे अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इन तमाम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइम्स V1 इज इक्वल टू Vin डिवाइड बाय इन तमाम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट या पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस ये जो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं इट इज 1/GM. सो दिस, तो इनपुट वोल्टेज को इक्वेशन की दूसरी तरफ लीजिए, विल बी हैविंग वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू जितनी रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सोर्स पे कनेक्टेड है 1/GMV इन पैरेलल विद R01 इन पैरेलल विद R02 इन पैरेलल विद RL डिवाइडेड बाय दिस होल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लस आउटपुट थेवेनिन रेजिस्टेंस व्हिच इज 1/GM प्लस 1/GM. सो दिस इज द वोल्टेज गेन ऑफ अ सोर्स फॉलोअर एंड इट कैन बी सीन इट इज द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर. सो इट इज द वोल्टेज गेन इज ऑलवेज लेस देन 1. Okay, for this numerical calculate the voltage gain of the circuit shown in figure 3.35. इस सर्किट का वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है.
देखिए आउटपुट टर्मिनल पे वी हैव अ डायोड कनेक्टेड लोड, जहाँ पे गेट और ड्रेन दोनों इक्विपोटेंशियल है. इट्स अ पीमॉस ट्रांजिस्टर, पीमॉस मॉसफेट. ड्रेन गेट और ड्रेन दोनों इक्विपोटेंशियल है. बल्क पे वी हैव पीमॉस के लिए वी हैव VDD, और यहाँ पे आपके पास दिस आउटपुट इज कनेक्टेड टू द सोर्स टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव अ डायोड कनेक्टेड डिवाइस एट द सोर्स टर्मिनल. सो व्हाट हैपन्स हियर, व्हाट इज वोल्टेज गेन? सिंपली यहाँ पे सोर्स टर्मिनल पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? देखिए ये क्योंकि डायोड कनेक्टेड डिवाइस है, तो डायोड कनेक्टेड डिवाइस के सोर्स टर्मिनल से जब आप रेजिस्टेंस देखते हैं, इट वॉज इक्वल टू, जो हमने पहले डिराइव भी की, 1/GM2 + GMV2. ठीक है, तो सोर्स टर्मिनल से जब आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं इस डायोड कनेक्टेड डिवाइस की, तो इसमें भी GM1/GM2, 1/ ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ दिस मॉसफेट विल बी इन पैरेलल विद 1/GMV2. सो सॉल्व करेंगे तो 1/GM2 + GMV2. फिर ड्रेन और सोर्स के बीच में वी हैव अ रेजिस्टेंस, चैनल एंड मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर व्हिच इज R02. वी हैव चैनल एंड मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस फॉर दिस मॉसफेट M1, सोर्स और VDD के बीच में, विच इज R01. सो R02 इन पैरेलल विद R01, इन पैरेलल विद 1/GMV1, जिसके अक्रॉस वोल्टेज आप ले रहे हैं. ठीक है, 1/GMV1 ऑफ दिस मॉसफेट हियर डिवाइडेड बाय ये तमाम टोटल रेजिस्टेंस एट द सोर्स टर्मिनल प्लस 1/GM1. दिस विल बी द वोल्टेज गेन ऑफ दिस टोपोलॉजी हियर. ओके, सोर्स फॉलोअर में जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो ये है कि पहली बात तो इट्स नॉट अ गुड बफर ड्यू टू टू रीजंस. एक तो नॉन लिनियरिटी की वजह से द सोर्स फॉलोअर इंट्रोड्यूसेस सब्सटेंशियल नॉन लिनियरिटीज बिटवीन द इनपुट आउटपुट कर्व, इन द इनपुट आउटपुट कर्व और इन द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. दूसरा मसला है लेवल शिफ्टिंग का. अब इन दोनों मसलों को हम देखते हैं. देखें आउटपुट वोल्टेज अगर इस अगर हम रेजिस्टर यहाँ पे जो सोर्स रेजिस्टर लगा हुआ था उसकी जगह, बिकॉज इट इंट्रोड्यूस सब्सटैशियल नॉन लिनियरिटी, उसकी जगह वी रिप्लेस इट विद एन आइडियल करंट सोर्स. दैट करंट सोर्स इज ऑल्सो रियलाइज बाय अ MOSFET हियर. तो इवन इफ द करंट फ्रॉम VDD टू ग्राउंड इज कॉन्स्टेंट, दैट इज हमारे पास ये जो MOSFET है इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल करंट सोर्स, फिर भी द आउटपुट वोल्टेज जो ड्रेन करंट की इक्वेशन में आपके पास VGS - VTS द होल स्क्वायर यानी कि ओवरड्राइव स्क्वायर है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज नॉन लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन द आउटपुट वोल्टेज. द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ड्यू टू बॉडी इफेक्ट इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स टू बल्क पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वॉज इक्वल टू VTS0 प्लस गामा टाइम्स स्क्वायर रूट के अंदर VSB था. सो इवन दो वी रिप्लेस द सोर्स रेजिस्टेंस विद एन आइडियल करंट सोर्स, स्टिल थ्रेशोल्ड वोल्टेज विल बी अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ द आउटपुट वोल्टेज और द सोर्स वोल्टेज. तो यहाँ पे नॉन लिनियरिटी आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से आ जाएगी. ठीक है, इसका हल ये है कि वी यूज़ अ PMOS डिवाइस और PMOS में सोर्स एंड बल्क कैन बी एट द सेम पोटेंशियल दैट इज VDD. यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं कि दिस ईयर M2 इज अ PMOS डिवाइस और यहाँ पे फॉर दिस ट्रांजिस्टर M1 इज ऑल्सो अ PMOS डिवाइस और यहाँ पे आपके पास सोर्स एंड बल्क दे कैन बी मेड इक्वी पोटेंशियल. तो बॉडी इफेक्ट इज नादर इन M2 नॉर इट्स इन M1. यहाँ पे द सोर्स एंड बल्क आर इक्वी पोटेंशियल एंड इट इज एट V आउटपुट. ठीक है, PMOS डिवाइसेस के लिए बॉडी इफेक्ट को ख़त्म करना आसान है क्योंकि PMOS डिवाइसेस में द सबस्ट्रेट इज एन टाइप. सो ऑल PMOS डिवाइसेस हैव अ लोकल एन वेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर एन वेल्स एंड दीज आर लोकल टू डैट PMOS ट्रांजिस्टर. अनलाइक एन NMOS ट्रांजिस्टर जिसका जो सबस्ट्रेट है पी टाइप है, इट इज कॉमन फॉर ऑल द डिवाइसेस. उस पी टाइप सबस्ट्रेट को हम इक्विपोटेंशियल नहीं बना सकते विद द बल्क. ठीक है, बट फॉर PMOS ट्रांजिस्टर्स एज द एन वेल्स आर लोकल, PMOS ट्रांजिस्टर एन वेल के ऊपर फैब्रिकेट होता है, तो देयर वी कैन मेक श्योर दैट थ्रू एन वेल कॉन्टैक्ट्स दैट द
the body and the bulk and the source potentials are, they are equipotential. Okay, so here we can have a negligible body effect for the PMOS devices, source follower realized by PMOS transistors. And the reason being that all PMOS transistors have a local N-well or the local substrate, and those substrates can be well connected to the source terminal. लेकिन एक और मसला यहाँ पे ये है सोर्स फॉलो में कि एज द चैनल लेंथ डिक्रीजेज इन एडवांस टेक्नोलॉजीज द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस आर नॉट स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन द वेरिएशन ऑफ ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS. आर नॉट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट VDS की वेरिएशन की वजह से था कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज चेंज होने से जो पिंच ऑफ रीजन है चैनल लेंथ का एट ड्रेन एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ सोर्स एंड. तो जब चैनल की लेंथ बहुत कम होती है तो आर नॉट की वेरिएशन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन रेजिस्टेंस की वेरिएशन बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करती है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पे. सो दैट इंट्रोड्यूसेस अनदर नॉन लीनियर इफेक्ट इन द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स फॉलोअर. दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो नॉन लीनियरिटी का जो हमने डिस्कस किया, दूसरा ये है कि वोल्टेज हेडरूम का या लेवल शिफ्टर. इमेजिन दिस, consider this situation. Here we have a cascade of a common source topology and a source follower. Yani ki output of a common source topology is the input to a source follower. It is a typical configuration which circuit designers may encounter. Okay, amplifier ka output jo hai wo, it goes to the input of a source follower or output of source se yahan pe le rahe. Source follower, because the source follows the गेट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ सोर्स फॉलोअर. तो यहाँ पे आप देखें, अगर ये सोर्स फॉलोअर मौजूद नहीं होता तो फॉर दिस ट्रांजिस्टर M1 टू परफॉर्म एम्पलीफिकेशन, दिस ट्रांजिस्टर M1 शुड बी बायस्ड इन सैचुरेशन रीजन, इंप्लाइंग दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और VX वोल्टेज शुड बी इक्वल टू द ओवर ड्राइव वोल्टेज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, दैट इज VGS माइनस VTH और VIN1 माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज. अब जब यहाँ पे आपके पास इसके आउटपुट पे एक सोर्स फॉलोअर आ गया है, so now VX should be at least equal to this VX की value such that it's making this transistor in saturation region, यानी कि VX is equals to at least equal to overdrive of this. VX should additionally be equal to at least greater than or equals to VGS2 plus V overdrive of this transistor here. So VX should be at least equal to VGS2 plus VGS3 माइनस VTH3, दैट इज द ओवर ड्राइव ऑफ दिस MOSFET M3. दिस मीन्स कि अगर ओवर ड्राइव वोल्टेज ऑफ M1 एंड M3 आर कंपेरेबल, दैट इज VGS1 माइनस VTH1 और VGS3 माइनस VTH3 कंपेरेबल हैं, सो द आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VX माइनस द वोल्टेज ड्रॉप माइनस VGS2 हियर. सो आउटपुट वोल्टेज में, आउटपुट वोल्टेज का जो DC लेवल है वो VGS2 लोअर होगा and this VGS2 decrease in the output DC level limits the output voltage swing. So that's why this topology, the source follower, also consumes voltage headroom. Therefore, due to non-linearities, several percent of non-linearities introduced due to the dependence of threshold voltage, due to body effect, dependence of threshold voltage on the output potential, additionally supplemented by the variation of the channel length modulation resistance with respect to drain to source voltage, strong dependency in submicron technologies, ye non-linearity ki wajah se, several percent of non-linearity, aur phir level shifting ki wajah se, common source follower is not a good topology to be used even as buffers. Okay. Okay, now if we compare these two topologies, these two configurations, one is a common source with resistive load and this is a source follower. For same bias currents, yani ki I1 VDD se lekar ground tak, I1 of this current I1 is the same as this current VDD to ground ID1 of this transistor. To for similar biasing conditions, is topology ka voltage gain kya hoga? RL divided by RL प्लस 1/GM1, अगर हम बॉडी इफेक्ट को फिलहाल निगलेक्ट करते हैं और चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट को भी निगलेक्ट करते हैं, तो द वोल्टेज गेन फॉर अ सोर्स फॉलोअर विल बी इक्वल टू सोर्स पे जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL प्लस
RL डिवाइडेड बाई RL प्लस 1 अपॉन GM1 जो सोर्स टर्मिनल से आप देख रहे होते हैं. तो अगर RL और 1 अपॉन GM1 दोनों सेम है, 1 अपॉन GM1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RL, तो द वोल्टेज गेन ऑफ दिस टोपोलॉजी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2.5. ऑन द अदर हैंड द वोल्टेज गेन ऑफ दिस टोपोलॉजी इज माइनस GM टाइम्स RL. तो इफ RL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन GM फॉर कंपेरेबल बायस करंट्स, सो द वोल्टेज गेन ऑफ दिस टोपोलॉजी विल बी इक्वल टू 1. तो सोर्स फॉलोअर का जो वोल्टेज गेन है इट इज 0.5 एंड फॉर एंड कॉमन सोर्स स्टेज विद रेजिस्टिव लोड का जो वोल्टेज गेन इट इज इक्वल टू 1 फॉर कंपेरेबल डीसी बायस करंट्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ द ट्रांसकंडक्टेंस इज जी एम वन. ओके, ओके, इन द सर्किट ऑफ फिगर 3.39A, इस सर्किट में कैलकुलेट द वोल्टेज गेन इफ सी वन एक्ट्स एज एन एसी शॉर्ट at the frequency of interest. And what is the maximum DC level of the input signal for which M1 remains saturated? ये topology है. यहाँ पर अगर C1 for our frequency of interest C1 is short circuited, तो इसका मतलब है this M1 is simply a common source topology. और इस common source topology के ऊपर load पे we have a diode connected load connected, क्योंकि gate और drain दोनों shorted है. Okay, तो यहाँ पे इस M2 ट्रांजिस्टर में कोई बॉडी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इट्स रियलाइज बाई PMOS ट्रांजिस्टर. और यहाँ पे सोर्स और बल्क कैन बी इक्विपोटेंशियल. ठीक है, तो यहाँ पे कोई बॉडी इफेक्ट नहीं होगा. तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी लोड की, जो रेजिस्टेंस होगी इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन GM2. ठीक है, और इफ यू कंसिडर बॉडी चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट, तो M2 ट्रांजिस्टर के ड्रेन और सोर्स के बीच में R02 रेजिस्टेंस होगी, और M1 ट्रांजिस्टर के ड्रेन और सोर्स के बीच में भी, क्योंकि C1 इज शॉर्टेड, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में R01 रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, एंड द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन सोर्स टोपोलॉजी इज माइनस GM1 टाइम्स द टोटल रेजिस्टेंस एट द ड्रेन टर्मिनल. तो टोटल रेजिस्टेंस ड्रेन टर्मिनल भी क्या है, R01 इन पैरेलल विद R02 इन पैरेलल विद 1 अपॉन GM2. So that is the voltage gain of a common source with diode connected load topology. ठीक है, अच्छा जी, अब पार्ट बी के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए, what is the maximum DC level of the input signal for which M1 remains saturated? तो M1 to remain in saturation, the drain to source voltage VDS should be at least equal to the overdrive voltage of M1. यानी कि VDS should be equal to VGS minus VTH, at least इतना voltage होना चाहिए drain पे. So the output voltage क्या है, अगर आप यहाँ पे VDD, यहाँ पे अगर आप केबल apply करें, VDD is equals to VSD of M2 plus यहाँ से लेकर ground तक का voltage is V output. So the output voltage is equals to VDD minus VSD. इसको अगर आप VDS करना चाहते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि VSD ऑफ M2 विल बी पॉजिटिव, क्योंकि सोर्स इज एट अ हायर पोटेंशियल देन द ड्रेन फॉर अ PMOS डिवाइस, बट VDS2 ड्रेन इज एट अ लो पोटेंशियल देन सोर्स, तो VDS2 विल बी नेगेटिव. तो आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कर लें तो द नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. एंड हियर द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इज द सेम एज द गेट टू सोर्स वोल्टेज, क्योंकि गेट एंड ड्रेन आर शॉर्टेड टुगेदर. सो V आउटपुट विल बी इक्वल टू VDD minus the absolute value of VGS2, and this should be equal to VIN minus VTH1. Okay, तो यहाँ से आप input voltage की equation निकाल सकते हैं, VIN will be equal to VDD minus absolute value of VGS2 plus VTH1. VIN minus VTH1, VTH1 equation की दूसरी तरफ चला जाएगा. अच्छा जी, अब part B में, to accommodate an input DC level close to VDD, इस इनपुट डीसी लेवल को वीडीडी के करीब 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 तर रखने के लिए, होने के लिए, इफ इनपुट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वीडीडी, दिस टोपोलॉजी इज मॉडिफाइड. यानी कि इस टोपोलॉजी से पहले, दिस टोपोलॉजी इज दिस वन हियर, इससे पहले ये कॉन्फ़िगरेशन यूज की गई, यानी यू हैव अ सोर्स फॉलोअर सच डैट इनपुट डीसी लेवल इज वेरी क्लोज टू वीडीडी. तो इस टोपोलॉजी में what relationship among the gate source voltages, source voltages of M1 to M3, M1 or M3 के जो gate to source voltages है उनका क्या relationship है such that M1 remains in saturation.
तो यहाँ पे अगर इनपुट वोल्टेज इज़ इक्वल्स टू वी डी डी हम अज्यूम कर लें, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन इस वजह से है कि इनपुट वोल्टेज लेवल वी डी डी की इक्वल हो, तो इफ़ इनपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू वी डी डी तो वी एक्स वोल्टेज क्या होगा, वी इन विल बी इक्वल टू वी जी एस थ्री प्लस वी एक्स। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी एक्स विल बी इक्वल टू वी डी डी माइनस वी जी एस थ्री, वी इन इज इक्वल्स टू वी जी एस थ्री प्लस वी एक्स, तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी इन माइनस वी जी एस थ्री, एंड वी इन इज इक्वल्स टू वी डी डी, तो वी एक्स विल बी इक्वल टू वी डी डी माइनस वी जी एस थ्री। ठीक है, ये वी एक्स की इक्वेशन आ गई। फॉर दिस मॉस्फेट टू रिमेन इन सैचुरेशन रीजन, अगेन द कंडीशन इज द सेम, वी आउटपुट यानी कि वी डी एस ऑफ दिस मॉस्फेट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द ओवर ड्राइव वोल्टेज ऑफ दिस मॉस्फेट वी जी एस वन माइनस वी टी एच वन। तो यहाँ पे एंड दिस वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी डी डी माइनस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वी जी एस टू। ठीक है, तो यहाँ से आप दिस द वी जी एस गेट टू सोर्स वोल्टेज, दिस गेट वोल्टेज इज एक्चुअली वी एक्स, वी एक्स की वैल्यू ये है वी डी डी माइनस वी जी एस थ्री। ठीक है, माइनस वी टी एच वन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द वी ओवर ड्राइव दैट इज वी डी एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी ओवर ड्राइव, वी ओवर ड्राइव इज वी डी डी माइनस वी जी एस, वी डी डी माइनस वी जी एस थ्री माइनस वी टी एच वन, बिकॉज दिस इज वी एक्स वोल्टेज, should be less than equals to the drain voltage, and drain voltage is VDD minus absolute value VGS2. तो यहाँ से आप VDD VDD cancel out हो जाएगा, you will get this equation VGS3 plus VTH1 should be greater than equals to absolute value of VGS2. Okay. So next lecture में हम common gate topology को study करेंगे. So that's it. Source follower topology is concluded in this lecture. Thank you. Assalamu alaikum.